Assalamualaikum friends, good morning, welcome back to a new vlog. I hope आप सब एकदम perfectly fit हो गए और असी भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं एकदम बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और असी जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं दस दा? असी जा रहे हैं जी अम्मी दी बेस्ट 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 फ्रेंड दे कार, और अम्मी उन्होंने काफ़ी मतलब सालों तो बाद ना मुलाकात हुई, क्योंकि जो आपको पता जो शादी हो जाती है इंसान की जगह चेंज हो जाती है, फिर आपको पता जो ससुराल जाइए वा फिर उन्होंने हिसाब के नाल चलना पैंदा वा, सारा कुछ करना पैंदा। लेकिन फाइनली अम्मी नू ना अपनी सहेली का नंबर मिल गया, तो उन्हें सानू ना लंच ते सद्या होया वा, तो हुण असी चले आ उत्थे। तो मैं सोचा इत्थे अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेंदी हां। मेरे चैनल ते आने वाले सब ने फ्रेंड तो काइंडली रिक्वेस्टेड है कि मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करियो, मेरी वीडियो नूं लाइक करियो, शेयर करियो एंड बैल दा बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भुलियो। थैंक यू सो मच। हुण इत्थों अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया, अगे जो भी सीन होगा सब आप लोगों के नाल शेयर करांगे हुण जल्दी दे नाल। अज मैं सोचा मैं आ छोटा वाला हैंड बैग लैके जांदी हां, क्योंकि डायपर वगैरह ते हुण आपको पता माशाल्लाह बच्चे वड्डे हो गए। जी फ्रेंड्स, मैंने ना मेकअप ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ मॉइस्चराइजर क्रीम लगा ली और आंखों में काजल और लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इतनी डस्टिंग है ना, अगर आप फेस वगैरह लगा वो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो फेस के ऊपर ऐसे चमकना शुरू हो जाता है जैसे पता नहीं क्या पाउडर लगाया हुआ है, तो बस इसलिए बस हल्का सा फाउंडेशन लगाया है। तो बस अभी जी निकलते हैं, बच्चों को मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया, बच्चे बाहर चले गए, उनकी लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी फ्रेंड, आज बाहर निकली हुई थी धूप तो मैंने जैकेट नहीं पहनी, लेकिन अम्मी देखे इतनी प्यारी सी शॉल लेके आई थी, अम्मी कहती ये आप रख लो अगर सर्दी लगेगी तो ये ले लेंगे। तो बस ऐसे ही मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस, आपको पता है ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, सबका ही ये ज़्यादा मोस्टली लोगों का ना फेवरेट कलर होता है। और ये जो ड्रेस है ना, ये मुझे गिफ्ट दिया था, तो किसने दिया था, जिसने दिया उसको पता है किसने दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा है। और चले निमरा को मैंने ये वाला टोदो शर्ट पहनाया है, शूज सेम ही पहनाए हैं, और हैदर का है निमा। अच्छा जल्दी जल्दी सबको सलाम बोल दो। अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर जो हम की। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ जा रही हो? बोलो, मैं अपनी दादी की बेस्ट फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ। और ये देखिए जी, हैदर भी एकदम से रेडी हो चुका है। हैदर ने कौन सा ड्रेस पहना है? मिकी माउस। मिकी माउस हैदर को ना भाभी ने दिया था, और ये भी बहुत प्यारा लगा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो इतना प्यारा सा दिन लगा हुआ है ना, धूप निकली हुई है। अच्छा गाड़ी निकाल के अंकल तो गाड़ी में भी बैठ गए, हमारा वेट कर रहे हैं। धूप लगी हुई है ना, तो सब लोग कोई कपड़े धो रहा है, कोई बाहर, इतने ज्यादा लोग बाहर निकल, जब सर्दी होती ना ना कोई बाहर निकलता, सारा दिन है ना कंबल बिस्तरों में बैठे बैठे दिन गुजर जाता है। जैसे ही धूप निकली हर एक को एनर्जी मिली, सारे अपने घर के काम कर रहे हैं, सफाइयां वगैरह कर रहे हैं, कपड़े वगैरह धो रहे हैं, मशीनें लगाई हुई हैं। अम्मी भी एकदम से रेडी होगी, अबू भी अभी जल्दी से निकलते हैं, मैं तो जाके बैठती हूँ गाड़ी में और फिर अम्मी लोग भी आ जाए। अच्छा जी पहले यहाँ पे ना बाहर अंकल आए थे, और देखिए कितनी यूनिक चीज़ें बना के ना वो ना बेच रहे थे, तो मैंने अभी सेट लिया, मैंने कहा निमरा के लिए लेते हैं, लाइबा के लिए लेते हैं और हुरम के लिए लेते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे पूरा सेट है, चूल्हा और चिमटी तवा। भैया आप हाथ ना बनाते हो कार? हाँ जी फिर चल पकड़ो, अच्छा पकड़ो, चलो फ्लैश मारा ना, चलो चलो आज वाली जल्दी जल्दी आ जाओ। गाड़ी तो एकदम से लिस्ट रही है, लगता है मम्मी ने ना सारी अच्छे से क्लीन अप की है, लेकिन साफ सुथरी हुई पड़ी है। अभी देखना जैसे जाना है ना तो ऐसे फिर गंदी हो जानी जब तक वापस आना है। इन्हीं बैठा जाना। हाँ जी, सरसों भी एकदम से रेडी हो चुकी है, सारे फ्लावर फ्लूवर तो खत्म हो चुके हैं, इतना खूबसूरत लगता है ना कलर इनका। शहजादा तो भाई सो गया है, जैसे गाड़ी में बैठे इसने साथ ही सो जाना होता है। और देखिए आज थोड़ी सी धूप निकली है ना, तो एकदम से ना चीक्स पे लालियाँ आ गई हैं हैदर के, और सबको इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि धूप चू निकली है ना आज। फ्रेंड्स अभी हम लोग रुके हैं जी पैंस से, वहाँ से ना कुछ मिठाई वगैरह अब कर, अबू ले आए सारा कुछ और अबू ने पीछे डिगी में रख दिया, क्योंकि फिर आगे ले आए ना तो फिर बैठने में प्रॉब्लम होती है, जगह तंग हो जाती है। हाँ पे अब्दुल्ला ने एक्चुअली नाश्ता नहीं किया था, तो वो अभी लेके आए, गर्मा गर्म समोसे हैं, फ्राइयाँ हैं। अभी जी हम लोग होने लगे हैं इंटर मोटरवे पे, मोटरवे पे इंटर हो चुके हैं, अभी हमें टाइम लगेगा 1.5 आवर। अभी देखिए ना धूप निकली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटरवे खुली है या नहीं खुली है, पहले सोचना पड़ता था कि हाय घर से निकल जाएं मोटर भी खुली होगी कि नहीं खुली होगी, तो अल्लाह का शुक्र अभी धूप भी लगनी शुरू हो गई है, मौसम एकदम से फ्रेश एंड क्लियर। निमरा सो गई थी अम्मी की गोदी में और हैदर था मेरी गोदी में, लेकिन अभी ना हैदर उठ गया है, तो सफर भी बस अभी आगे।
लीला हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी पार्क करके। मम्मी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई आपकी फ्रेंड से मिलने के लिए, पता नहीं कितने सालों के बाद मिलना है। कभी हाय आ जा ठंडा ठंडा सा जूस, गाड़ी में इतना हवस था ना, है तो पियो बेटा। अभी हम लोग आ चुके हैं जी बच्चों के कान चेक करें, सोडा देख ना सारे कान जो सारे कैन डाइनिंग टेबल पर थे ना सोडे के उठा के लिए थे, है तो नहीं टूट जाएंगे। खाना जो था सारा लग गया था और उसके बाद हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो वेट बिल्कुल नहीं किया और हम लोगों ने सबने अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया, सब चले गए और खाना इतना मज़ेदार बना था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ऊपर से भूख लगी हुई थी, मज़ा आ गया कसम से, सोने पर सुहागा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पेट भर के खाना खाया, अभी सब चले गए उधर रूम में, वहाँ जाके हम पियेंगे चाय शाय और अब वो कह रहे थे अब सब उधर आ जाओ गपशप करते हैं बातें शातें करते हैं, अभी जी चलते हैं दूसरे वाले रूम में। अभी आ गया था जब मीठा मीठे में था, मिठाई कस्टर्ड वगैरह था, फ्रूट था, वो सब कुछ खाया है तो अभी आई थी गर्मा गर्म चाय यहाँ पे, तो अभी मैंने कहा तो मुझे बस हाफ कप ही चाहिए, अभी जल्दी से पीते हैं चाय। और ये देखिए अम्मी अपनी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड अम्मी को गिफ्ट दे रही है, कह रही है आपको जो अच्छा लगता है वो लो। अबू जो है ना वो नीचे चले गए और बार बार फोन करे कि आज आज आज, मैंने कहा बस अबू आने लगे हम चाय पीने लग पड़े थे। और ये देखिए मुलाकात हो रही है बच्चों ने भी ना खूब इंजॉय किया भैया लोगों ने इतना ज़्यादा ख्याल रखा बच्चों को, प्रॉपर टाइम दिया, बहुत मज़ा आया। ओ देखे नीचे अब्बू लोग जाते जाते ना घर का सारा सामान ले जाए, फिर वापस आना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और टाइम भी काफी ज्यादा हो रहा है ना। हैदर क्या कह रहे हो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मामा मुझे ये विंडो ना सारी नीचे करने दो, मैं कह रही हूँ नहीं करने देनी क्योंकि फिर ना बाहर से बहुत ज्यादा ना डस्ट अंदर आ रही, तो मैंने इसलिए रहने दो। तो हाथ जोड़ के कह रहे हो मामा प्लीज। हैदर कैसे, अच्छा पहले बताओ कैसे, नहीं पहले बोलो प्लीज बोलो, अच्छा प्लीज तो बोलो पहले प्लीज बोलो प्लीज, नहीं बोल रहा अभी इसका मूड नहीं है। Where is your soda? I don't know where is your soda. फ्रेश फ्रेश किन्नू है क्या, पता नहीं ऑरेंज है, किन्नू के ऑरेंज किन्नू किन्नू है। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं जी घर, अल्लाह सफ़र कर करके ना इतना मज़ा थक जाता है ना, ऐसा लगता है जब हम कितनी दूर से आए हैं क्योंकि सड़कें इतनी ज़्यादा टूटी हुई हैं, हिल हिल के ना बड़ा बुरा हाल होता है। अब अंकल बस ना गाड़ी करने लगे हैं अंदर, तो फिर सारा सामान निकालते जो ग्रोसरी वगैरह करके हम लोग आए हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं जी अंदर और देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे हैं और हैदर मेरी गोदी में है। और बस फ्रेंड्स हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है, मैंने बच्चों को भी खाना खिलाया है, हैदर ने नूडल खाए हैं और निमरा ने रोटी खाई है, रिक्शा बाहर को है। और बस ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते जाएँ बर वक्त। गुड नाइट फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ अदर।